नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम सत्यम मिश्रा है और आज मैं आपके सामने दो लाइन की कविताएं रखना चाहूँगा। तो पहली दो लाइन की कविता है, अगर कोई नेता देख रहा है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता था। सर पे हो चुनाव तो हर काम ठीक होता है, सर पे हो चुनाव तो हर काम ठीक होता है, नेता भाषण देकर दिल में आग लगाता है। माफ करिए अगर केहू नेता देखा था तो। और दूसरा दो लाइन की कविता है, आज तक वाले मुद्दा बना रहे हैं, आज तक वाले मुद्दा बना रहे हैं, यहाँ मोदी जी रैली लगा रहे हैं। और तीसरा दो लाइन का कविता है, तुम तो तीसरा जो कविता है वो है, पेड़ के होने से सांस आती है, पेड़ के होने से सांस आती है, पेड़ ही की वजह से पुराने जमानों की याद आती है। और ये इंसान के जीवन के बारे में है, तो जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाता है कि जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाता है, वैसे ही इंसान जीवन का चक्कर काटता है। तो जो हम लोग का चौथा दो लाइन का जो कविता है वो है, हमारे भारतीय जवानों और किसानों के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे किसान की वजह से भारत को मिलता है खाना, कि किसान की वजह से मिलता है भारत को खाना, और फौजी की वजह से भारत को नहीं पड़ता सर झुकाना। तो आगे का चलिए पांचवे दो लाइन की कविता पे चलते हैं। तो चींटी चढ़ गई पहाड़, अंग्रेज़ों का ज़माना था, चींटी चढ़ गई पहाड़, अंग्रेज़ों का ज़माना था। ये पाकिस्तान के लिए नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ ये जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत वो है। तो चलिए इसको करते हैं। चींटी चढ़ गई पहाड़, अंग्रेज़ों का ज़माना था, चींटी चढ़ गई पहाड़, अंग्रेज़ों का ज़माना था, भारत के हाथ से निकली हर एक गोली पाकिस्तान के सिर पे एक निशाना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सातवां जो मेरा दो लाइन का कविता है वो है, धर्म को बनाए रखना इनका काम था, धर्म को बनाए रखना इनका काम था, इनका नाम श्री राम था। तो एक बार बोल दीजिए, श्री राम की जय। तो ये मेरे मामा गणेश नाथ तिवारी के लिए मैंने स्पेशल से बनाया था। तो ये भी सुनिए, भोजपुरी का मान सम्मान रखना इनका काम है, भोजपुरी का मान सम्मान रखना इनका काम है, इनका नाम श्री विनायक नाथ तिवारी है। तो चलिए दूसरे वाले पे चढ़ते हैं। तो जो मेरा नौथवा वाला है कविता वो है, खाना खाना का ना करो कभी अपमान, खाना का ना करो कभी अपमान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था, खाना का ना करो कभी अपमान, ये माँ के सम्मान के लिए है। तो खाना का ना करो कभी अपमान, माँ का रखो अपने दिल में सम्मान। तो चलिए आप हम लोग अपने दसवें और आखिरी वाले दो लाइन के कविता पे चलते हैं। ये थोड़ा सा मोबाइल का ज़माना है तो उसके लिए तो शायरी है, आजकल लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं, कि आजकल लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चेक करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी दो लाइन की कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कविता लाते रहूं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।